सब सुख पाएंगे। नमस्ते जी, नमस्ते। एक बहुत कितना होता है? बस इतना नहीं, बहुत ज्यादा। चल छूटो। मैं तो ये चाहता हूँ बेटा कि तू सीता से मिल ले, उससे बातचीत कर। ठीक है चाचा, जैसे आप कहो। कब मिलूं देवी जी से? मैं कहती हूँ निकल यहाँ से, दफा हो वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अरे 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 शांति। आकाश, गुच्छा मुझे भी हर बात पर आता है, करता किसी बात पे नहीं। बदला लेता हूँ और बदला मैं लूंगा। तू चलता है या जूते से मारूं तुझे? आ गया, निकल। जरा हाथ में कलम भी पकड़ ले, तेरे हाथ की मेहंदी खराब नहीं होगी। सीता बोल ना कर, स्टेप बनाने दे, अभी टाइम है, वरना फिर टाइम नहीं मिलेगा। तेरे पास तो म्यूजिक के अलावा कोई टाइम नहीं, जा जाके। क्या खोलेगी दरवाजा तू? कुछ पता नहीं है, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, म्यूजिक रिलेटेड ही है बस। जी पदरी नाता कर रही है? जी हाँ। हम उसे गिरफ्तार करने हैं। क्या क्यों, क्या किया है बापू ने? ठेकेदार कैलाशनाथ कत्ल केस में उस पर शक है, बाहर भेजो उसे। बापू तो घर पे नहीं है। कोई और मर्द है घर में? नहीं। जैसे ही घर आए फौरन थाने भेजो, मुझे ही आना पड़ा ना तो हथकड़ी लगा के घसीटते हुए लेके जाऊंगा। पर सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। बस बस बीबी, बंदा कत्ल हुआ है, लग पता जाएगा, चलो। पर सर, सर बात तो सुनिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है चाचा, बेटा बोला है तो अब जल्दी से बना भी लो ना। मुझे तुझसे ज्यादा जल्दी है बेटा। तो फिर देरी क्यों? अरे सीता चुप है, कुछ कुछ बोले तो पता चले ना। वैसे चाचा बुरा ना मान, तुमने सीता को जरूरत से ज्यादा पढ़ा दिया है। ये बात सीता के सामने ना बोलना वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्यों जी? उसे किताबों से इश्क है, वो सब कुछ छोड़ देगी मगर पढ़ना पढ़ाना नहीं। अच्छा तो इसका मतलब है कि शादी के बाद देवी जी को यूनिवर्सिटी भेजना पड़ेगा? हाँ वो तो भेजना पड़ेगा। इल्म सीखे बिना सीता की कोई जिंदगी नहीं। गलत कहते हो, बड़ी लंबी उम्र है सीता की है? नाम लिया और वो आ गई। बापू घर जल्दी चलो। हुआ भी क्या? वो अरे बताओ ना, इससे क्या बनना, ये तो अपना ही है। पुलिस आई थी तुम्हें गिरफ्तार करने। पुलिस गई तेल लेने, उनकी ये जरूरत? मगर बात तो सब खत्म हो गई थी, फिर मुझे गिरफ्तार करने क्यों आए? वो ठेकेदार चाचा के कत्ल का शक तुम पर कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। घटिया बात है चाचा, आप घर जाओ। मेरे होते हुए मेरे खानदान को कोई हाथ तो लगाए। चलो बापू। यार तू भी अजीब बातें करती है, सीने में थोड़ी जलन है, मार थोड़ी गया हूँ। हाँ ऐसे ना कहे मेरे राजा, भगवान ना करे तुझे कुछ हो, तेरी आई मुझे आ जाए। अच्छा अगर तू मर गई तो मेरा क्या होगा? चल दोनों के मरने का प्रोग्राम कर, बता क्या करूँ? मेरे पास आ जा, तबीयत खराब के साथ काम ना कर तो अच्छा होगा। शाम में आऊंगा ना, अभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकते जी? तेरी दो टकिया की नौकरी, बस आ जाओ ना मेरा मिट्टू मेरे पास। वो तू समझती क्यों नहीं है, जब से पर्ची वालों को पकड़ा है रेंजर ने, हाजी साहब के घर वाले ने दुकान पे नहीं बैठने दिया। अरे वाह, हाजी का परिवार और तू लावारिस है, जल्दी आ वरना मैं आती हूँ। खबरदार जो तू घर से निकली। वो मालिक है, मैं मुलाजिम हूँ, मालिक की जब मर्जी आए। तू मेरी कोई बात नहीं मानता रतन। अच्छा
मसलन कौन सी बात नहीं मानता तेरी? मेरी मर्जी से ना तू दवा खाता है और ना मुझे घुमाने ले जाता है। आए, शहर के हालात अच्छे हो गए हैं, ले जाऊंगा घुमाने। देख तेरा सीना जल रहा है और पेट में भी तेजाबियत है, दवा ले आओ तो खाएगा ना। अच्छा ठीक है मेरी जान, लेकिन सुन सीना जलने वाली दवा खिलाना, बच्चा पैदा करने वाली नहीं। ठीक है मेरे राजा, बस तू जल्दी से आ जा। चल रे नथू हकीम, आज तेरे हिसाब किताब की रात है। चुन 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 बाजे पायल बाजे सावरिया। गुड मॉर्निंग अलीज़े। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। हाय फरा, अगर कोई ऑफिशियल स्टफ है तो मुझे बताओ, पर्सनल स्टफ के लिए मेरे पास टाइम नहीं। देखो देखो मुझे माफ कर दो, एक दीवाने को माफ कर दो। तुम ऐसी हरकतें करते क्यों कि सबके सामने तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़े? मुझे माफी मांगना अच्छा लगता है, गलती करना मनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम्हारी ऐसी हालत रही ना तो किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो क्या करता, एक अजनबी के साथ तुम्हें देख कर, और मैं करता ही क्या? वो कोई अजनबी नहीं है, मेरा कजन है, मेरे मामू का बेटा, जिसके सामने तुमने मेरी नाक कटवा दी। देखो तुम्हारी नाक तो लगी हुई है। ज्यादा फनी होने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं तुमसे बहुत नाराज थी। देखा मैंने तुम्हें मना लिया। शुक्र करो मैं अच्छी लड़की और मुझे पुरानी दोस्ती का ख्याल है। मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो इस नालायकी के बाद ना तुम्हें मुंह ना लगाती। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम मेरी बहुत केयर करते हो। तो मैं सिर्फ तुम्हारी केयर करता हूँ और कुछ भी नहीं। अच्छा अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, हम बड़े हो चुके हैं और हम ऑफिस में, नो मोर बकवास। अच्छा वो प्रपोजल तुमने तैयार कर लिया, बॉस को दिखाना था ना? हाँ कर लिया। पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, कौन कहता है? आकाश है कुछ दीवाने। तुम क्या कहते हो? मैं तो पुलिस वालों से दोस्ती करता हूं, दुश्मनी करके मरना है महाराज। जवाहर खान तेरा दोस्त तो खासा मीठा है। महाराज गोली मार दो पर मीठा ना बोलना। मीठे नहीं तो फिर तीखे हो गए। अब ठीक है। क्या चाहते हो? सरकार मामा जी ना मरने से पहले पदरी काका की छोरी के साथ ना मेरा रिश्ता जोड़ गए थे, ब्याह चाहता हूँ बस। तुम्हें किसने कहा कि हम यहाँ मैरिज ब्यूरो चलाते हैं? अरे नहीं नहीं सर, आप इसकी पूरी बात तो समझे। अच्छा सर बात यह है कि बद्री काका की छोरी नहीं मान रही, अगर मामा जी के कत्ल के केस में आप बद्री काका पे थोड़ा सा दबाव डालो ना और मेरे कहने पे पीछे हट जाओगे, छोरी मान जाएगी, मेरा घर बस जाएगा। इंडियन फिल्में खासी देखते हो तुम। भगवान की सौगंद एक भी नहीं देखी। ओ जवार खान तेरा यार खासा झूठा और मुंह पर मुकर जाने वाला शख्स है भाई। सर ये हमारे बहुत काम आएगा सर। खैर ये लड़की छटकी वाला मामला खुद ही देख लो, मुझे इससे दूर ही रखो। आकाश राइट सर। इजाजत महाराज। महाराज मुझे भी इजाजत है। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा मामा कैलाश मेरा मिलने वाला और खासा कानून दोस्त शख्स था, अगर तुमने अब उसका कारोबार संभाला है तो उस जैसा बन के भी दिखाओ, अगर जुर्म करोगे तो मैं कोई मदद नहीं करूंगा। आ गया राम। क्यों चुप हो जाऊं बापू, ये जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ मैं जरूर आवाज उठाऊंगी। अरे सीता बिटिया
थानेदार बिगड़ गया तो हम क्या कर लेंगे? क्यों चिंता करते हो तुम बापू? मैंने साफ साफ कह दिया है, पुलिस ने इस घर में कदम रखा या तुम्हें दोबारा थाने बुलाया तो मैं आईजी को खत लिखूंगी और ये बताऊंगी कि वो लोग हमें तंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा ना करना, ऐसा नहीं। तू अभी बच्ची है, संसार की ऊंच नीच को नहीं समझती है। हालात बिगड़ जाएंगे, मैं उनसे मुठभेड़ नहीं कर सकता। तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है, ऐसी बातें मत कर। ना ही हम मजलूम हैं और ना ही बुजदिल। क्या है बता, हम क्या हैं? बता, तू बता। आम जनता, जो भगवान की कृपा और अपनी मेहनत, मजदूरी और ईमानदारी से खास बनती है। नहीं बिटिया, मैं उन लोगों से नहीं लड़ सकता। सारे संसार में एक दूजे के सिवा हमारा कौन है? काका, मैं, नंदिनी, माला और सारा पाकिस्तान। आज जल्दी आया तू? बिल्कुल ठीक समय पे आऊं काका, यहाँ फड्डे चल रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। अरे वो ठेकेदार का खून हो गया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने में अवकाश पहुंच गया था, बड़ी वाफियत है उसकी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन घर पे छापे पड़ रहे हैं और मैं मस्त घूम रहा हूँ। मुझसे भी छुपा रहे हो तुम लोग अब ये बातें? अरे रतन, कैसी बातें करता है? तुझसे छुपाना तो पाप है, तू तो हमारे परिवार का हिस्सा है। भगवान भला करे, वो सुबह का वाकया है ना, पुलिस को गलत फहमी हो गई। कोई गलत फहमी नहीं हुई बापू, तुम ही समझाओ रतन, न जाने किससे डर रहे हैं। और मैं स्टैंड लेने का बोल रही हूँ तो मेरी एक नहीं सुन रहे। मैं जवान बेटी का बाप हूँ, बीमार हूँ, गरीब भी हूँ, मैं नहीं लड़ सकता। इंसाफ का गुर्बत से क्या ताल्लुक है? और फिर कैलाश चाचा के कत्ल से तुम्हारा क्या लेना देना? सीता, ओ सीता ठीक कह रही है काका, गलत तू भी नहीं है। खैर देखते हैं, कुछ सोचते हैं। अरे भाई, पुलिस अपनी तफ्तीश तो करेगी ना? जरूर करे, पर हमारे साथ अन्याय भी तो ना करे। तू जा रतन के लिए और मेरे लिए कुछ खाने पीने को ला। नहीं काका, मैं सोने जा रहा हूँ, रात में मिलूंगा। अच्छा अच्छा, क्या मुंह देख रही है, भूख लगी है, भोजन ला। अरे मेहरबानी तो इनकी है, इनका ख्याल रखा करो बाबा, अगर ये ना होते ना तो आज तुम लटक गए होते। इनसे तो अपना प्यार का संबंध बहुत पुराना, बड़ा पक्का। नहीं रे, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तेरे लिए और क्या क्या करना है। मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि जी चाहता है नन्नी मुन्नी होके तेरी गोद में बैठ जाऊं। क्या यार, लोग चुप चुपाते बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं, मैं हमेशा ही पकड़ा जाता हूँ। भोला है ना, मिच्छू है मेरा, इसीलिए पकड़ा जाता है। राम, पता नहीं कब नींद आ गई, आंख लग गई, पता ही नहीं चला। और सपनों में भी बस तू ही तू था मेरे राजा। अच्छा किया ना तूने भी थोड़ा आराम कर लिया, सारा दिन घूमती रहती मेरे पीछे, इधर उधर बात की रहती, थकती नहीं है? नहीं रे, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तेरे लिए और क्या क्या करना है। मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि जी चाहता है नन्नी मुन्नी होके तेरी गोद में बैठ जाऊं और फिर तेरे सीने में छुप जाऊं। सीने से याद आया, ठंडा दूध ला दे। क्या अभी जल रहा है तेरा सीना? हाँ, बिल्लू ने मेडिकल स्टोर से गोली ला के दी थी लेकिन आराम नहीं आया। अरे तू चिंता क्यों करता है मेरे राजा,
एक दवाई ऐसी दूंगी तू देखियो रात तक बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा तू। नंदिनी घर में पुलिस आई थी, तूने बताया नहीं मुझे। हाय राम, मुझे तो नहीं पता पुलिस। ठेकेदार के कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में काका भी शक कर रहे हैं। मैं सीता से पूछ कर आऊं? नहीं नहीं, सीता से मेरी बात हो गई। खैर अभी तो थाने से एक ही बार आए लोग, भगवान करे कातिल जल्दी पकड़ा जाए वरना काका को बहुत परेशान करेंगे। ठेकेदार की लाश को तो तूने भी छुआ था, कहीं तेरा तो नहीं पूछा उन्होंने? और तो पूछ ले, मैंने कौन सा कत्ल किया? नारे रतन, अगर तुझे उन्होंने हाथ भी लगाया ना तो मैं जुलूस निकालूंगी पुलिस के खिलाफ। हाँ थाने में बड़ा कुछ होता है रे। और कुछ नहीं होता, मुझे फिकर मत कर, अब इस बात पे फड्डा ना कर लेना किसी से। अच्छा ना, गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं अभी लेकर आती तेरे लिए दवा भी और ठंडा ठंडा दूध भी। अरे बात सुन मेरी नंदी, ये दवा के नाम पे तू मुझे ताकत का कुश्ता तो नहीं खिला रही? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मार देना मेरी जान मेरे मिट्ठू, मरी तो मैं वैसे ही जा रही हूँ माँ बनने के लिए। वैसे ये हकीम कहता क्या है? हकीम ने कहा अब की बार तो ये दवा जरूर काम करेगी, देखना तो सही। मैं अभी आई। भाग रही तुमसे? मुझसे भाग सकती हो? रहने दो रतन जी, मेरा हाथ सबके सामने क्यों पकड़? बाबूजी देख लेते तो आज ही हमारे फेरे होते हैं और हम तेरी बाहों के घेरे में। से अब तक तुम्हारी खुशबू आ रही थी, सोने नहीं दे रही थी मुझे। अपने दिल की किताब में मेरी अमानत समझ के रख। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर नाकाम होकर भी तुझे खोना नहीं चाहता और ना ही मैं तुझे बेइज्जत होने दूंगा, क्योंकि तू मेरी इज्जत है और अगर मेरी इज्जत पर दाग लग गया ना तो मर जाऊंगा। अब सुख पाएंगे नैन का। मुझे जरा पुलिस वाले से काम। ओ माय गॉड, उन बेचारों की फिर कमबख्ती आ गई। तुम एक मिनट सब्र करो, मैं आता हूँ। बल्कि एक काम करो, मुझे अपने कैन देना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आप लोग इतनी गर्मी में हम लोग की खिदमत करते हैं, हम लोग की मदद करते हैं, तो मेरी तरफ से एक छोटा तोहफा। जी बहुत शुक्रिया, आप मेहरबानी है, आपने हमें इज्जत बख्शी। क्या हुआ? चलो। ओह माय गॉड, अब ऐसे भी क्या कॉमेडी कर दी जो तुम इतना हंसी चले जा रही हो? यू नो व्हाट, यू आर वेरी फनी। लास्ट वीक इसी चौक पर इसी पुलिस वाले को तुमने कितनी सुनाई थी क्योंकि वो सही से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर रहा था, और इस बार? हाँ तो ठीक सुनाई थी ना, ट्रैफिक जाम था, वो एक कोने पे खड़ा था, तो और क्या करता। हाँ, और आज से तुम बड़े सफी हातिम बने हुए हो, हम दोनों की ड्रिंक्स उठा के उन दोनों को दे दी। यार हम इन पुलिस वालों को अक्लियत समझते हैं, वो बेचारे धूप में काम कर रहे थे, मैंने बस उन्हें एक काइंड जेस्चर दिया है, तो इसमें क्या बुरा किया? बुरा तो कुछ नहीं किया, पर मेरी मानो तो किसी साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा दो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। क्यों, मैं तो पागल लगता हूँ? कभी कभी थोड़े थोड़े। हरगिज नहीं, मैं एक जीता जागता नॉर्मल इंसान हूँ, तुम्हारे जैसा पत्थर का सनम नहीं। जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। लुक हू इज टॉकिंग, ड्राइव तुम खुद कर रहे हो और मुझे कह रहे हो, इसीलिए मैं कहती हूँ तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। कत्ल का केस है बद्रीनाथ, कोई मजाक नहीं, तावन करो। हाँ
भगवान भली करे, मेरी क्या औकात है सरकार, हुक्म। इन लड़कों ने कैलाश रात को गोलियां मारी, उनको तो जानते हो ना। नहीं सरकार, उन लड़कों को मैंने नहीं देखा, वो लड़के हमारे इलाके के हैं ही। तो फिर किस इलाके के थे वो? भगवान घर से मुझे नहीं पता। और कुछ लेकर आऊं काका? एक चाय और, मोटी मिलाई। ये तुम्हारी बेटी हो? बेटी समझो सरकार, सीता अंदर काम कर रही है। तुम उसकी शादी कर दो, कत्ल के मुकदमे में फंस गए, अच्छे बुरे वक्त का क्या पता। कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं सरकार। कत्ल होने वाले से तो ताल्लुक है ना, ये उससे भी इंकारी है। भगवान भली करे, वो मेरा दोस्त था। दोस्त बद्री, कभी कभार दोस्त ही मरवा देते। क्या पता मुजरिम कौन। मैं बेकसूर हूँ सरकार, बिल्कुल बेकसूर। लगता तुमने कभी किसी बेकसूर को फांसी चढ़ते नहीं देखा। कैसी बातें कर रहे हैं ये आप? कैलाश चाचा और बापू एक साथ बैठे थे, छह गोलियां चलाई गई हैं, कोई इनको भी लग सकती थी। ये आप तफ्तीश कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? देखो बीबी, सरकारी काम में रुकावट नहीं कर ना। तू अंदर जा, इन्हें पूछने दो, बड़े अच्छे आदमी। ये बहुत खराब आदमी है, वरना ऐसी बातें ना करते। मैं आईजी पुलिस को खुद खत लिखूंगी कि ढंग से तफ्तीश की जाए, ये हमारा कानूनी हक है। चलता हूँ बद्रीनाथ, अगली बार जनाना पुलिस को साथ लेकर आऊंगा। साहब गुस्सा न करे, मेरी बात सुने। बैठ, तुम्हारी बेटी के दिमाग में कानून है, हक की बात करती है। अरे साहब बात तो सुने। बस बस बद्री छोड़, बस आप रहने दे, फिर आऊंगा। सरकार सरकार, एक कप चाय और पी ले सरकार। ये क्या किया तूने? देख अब वो उखड़ गया, देख अब वो चला भी गया, अब क्या होगा बता ना, क्या होगा? कुछ नहीं। अबे आजा ना, जब कह जो रहा हूँ नखरे क्यों कर रहे, आजा आजा जिगर। वैसे भी जब से तुमने ये बताया है कि मेरी बेइज्जती करने वाली तुम्हारी इज्जत है, तो बात ही खत्म। भगवान की सौगंध, कैलाशनाथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं उसका। बस बस अब हमारा तुम पर शक खत्म। आज जब आकाश भाई कह रहे तो बात खत्म हो सकती है। बड़ी मेहरबानी। अरे मेहरबानी तो इनकी है, इनका ख्याल रखा करो बाबा, अगर ये ना होते ना तो आज तुम लटक गए होते। इनसे तो अपना प्यार का संबंध,
बहुत पुराना, बड़ा पक्का। चलता हूँ काका। जी जी सर, राम राम आकाश राम। अरे बापू, तुम इस पुलिस वाले और आकाश की बातों में मत आना, देख लेना कल कोई नया ड्रामा खड़ा करे। अरे अरे, वो हमारी इस केस में सहायता कर रहे हैं। काका मैं भी इसको यही समझाती हूँ, शादी नहीं करनी तो अलग बात, किसी को जलील तो ना कर। अरे तेरी दोस्त है, समझा से उस बेचारे के पीछे पड़ी हुई है। बेचारे को तो देखो, सारे संसार का नौटंकी साला, और तू चुप कर, घर में मशकूक पुलिस वाले की टेंशन है और तुझे पड़ी है दूल्हे राजा की। धन्यवाद धन्यवाद, कम से कम दूल्हे राजा तो बोला। चुप कर, जा देख कहीं वो फ्रॉडिया दोबारा ना आ गया। जाती हूँ जाती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तू किसका गुस्सा किस पे निकाल रही है सीता बागड़ी। अरे देख कौन है। नमस्ते, आइए आइए। कैसी हो माला? ठीक है। अरे आजा आजा बिटिया। आदाब आदाब आदाब। सलाम सलाम। देखिए चाचा, मैं आपसे और अपनी दोस्त से फिर से मिलने आ गई। कैसी हो आप? बाबा हम काफी देर से आपके घर के बाहर खड़े हुए थे, एक पुलिस वाला और एक नौजवान अभी आपके घर से निकले, सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, क्या बताऊँ, 3 रोज पहले मेरे दोस्त कैलाश को कुछ लड़के गोलियां मार गए थे। मैं पास बैठा था, मैंने लक्ष्मी को अस्पताल पहुँचाया, बस वो पुलिस वाले मुझे ले गए तफ्तीश कर रहे। तफ्तीश नहीं कर रहे बल्कि हमें तंग कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, ये मीडिया का दौर है और वो इस तरह आवाम की आवाज को नहीं दबा सकते। ऊपर वाला भले करेगा। सीता चाय बना। जी नहीं नहीं चाचा, इसकी जरूरत नहीं है, हम जल्दी में हैं। हम तो आपको सिर्फ ये बताने आए थे कि आपके इस मोहल्ले को हमारे ट्रस्ट और चंद नेक लोगों ने वेलफेयर के कामों के लिए अडॉप्ट कर लिया। वो कैसे बिटिया, मैं समझाने? अब यहाँ डिस्पेंसरी, स्कूल और वाटर प्लांट लगेगा, और इंसाफ में हम लोग आपका साथ देंगे, बस हमें आपकी दुआओं और मदद की जरूरत है। भगवान भली करे, जरूर जरूर, ये तो नेकी का काम है। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कैसे? मैं तुम्हें बताती हूँ। चले बापू, हम जरा ऊपर बात करते हैं। जाओ बिटिया जाओ। ठीक है, मेरा और माला का कमरा भी देखो। नहीं रे, तेरे पुरखों का स्थान इसलिए मेरे लिए पवित्र है। जे हर उस चीज से प्यार है, इससे तेरा इतना सा भी संबंध न जाने आकाश दिन ब दिन मेरी आंखों में क्यों चुभने लगा। सुन, तेरी तरफ से आकाश जी के लिए अगर पक्की ना है तो काका को बता दे। अभी नहीं, अभी उनका दिल दुख। अरे मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर। मैं कह रही हूँ गेट आउट। अरे फिर अंग्रेजी? गेट आउट। माला माला, तू यहाँ है? मैं रसोई में अकेले काम करी, तेरी कोई समझ नहीं आती। और एक बापू की क्या जरूरत थी उस आकाश को खाने पे बुलाने की? जरूरत थी, एहसान कर रहा है हमारे ऊपर, और सब बुरा क्या? जो एहसान कर रहा है ना, वो नियत का बुरा है। बस कर दे सीता, बुराई क्या है इसमें? तू तो बिल्कुल पगली है, तुझे तो कुछ भी नहीं लगता। अच्छा एक बात सुन, मुझे छोड़ मेरी माँ आकाश जी के लिए, मान जा वरना मैं मान जाऊंगी। हरगिज नहीं, जिस भट्टी से मुझे सेक आ रहा है उस दोजक में तुझे कैसे झोंक दूं? दोजक कैसी मेरी जान, साजन के कदमों में तो मर जाने का जी चाहूंगा। बस रहने दे। न जाने आकाश दिन ब दिन मेरी आंखों में क्यों चुभने लगा। सुन, तेरी तरफ से आकाश जी के लिए अगर पक्की ना है तो काका को बता दे। अभी नहीं, अभी उनका दिल दुखे। जब भी तू बताएगी तब भी तो दिल दुखेगा ना। न जाने बापू को ये अजनबी क्यों इतना पसंद आ रहा है, मैं चाहती हूँ वो उसे खुद ही समझ। सीता बड़ी सियासतदान हो गई है तू तो। ये सियासत नहीं, मेरा असूल है, लोगों को थोड़ा वक्त देना चाहिए, खुद ही खुल के सामने आ। असल जिंदगी में ज्यादा अरसे के लिए कोई एक्टिंग नहीं कर सकता सिवाय तेरे। मेरी प्यारी माला रानी, तू तो पैदाइशी नौटंकी। अच्छा बता भी क्या करना है? क्या करना है,
रसोई में चल के खाना बनाना। मैं नहीं जा रही, मुझे तो बड़ी उलझन होती है खाना बनाने से। अभी तुझे ना स्टार बनने में बहुत टाइम है, चल आ जा। सीता आ जा रसोई में खाने बनाएंगे। नंदिनी मैं नहीं जा सकता ना। कुछ तो कर, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगी तुझसे। हाँ अच्छा क्या करूं मुझे तू बता, दुकान पर इतना काम है, अकेला कारीगर हूँ, छुट्टी नहीं मिलेगी। हाजी भी तो नहीं आता धंधे पर, उसे तो कोई चिंता नहीं, तुझे क्या है? हाजी मुझ पर भरोसा करता है, मैं काम करता हूँ तो धंधा चलता है। एक काम कर, तू अकेली चली जाना इस बार काम। आज तक मैं कभी कहीं अकेली गई हूँ? नहीं, नहीं होती मुझसे तेरी जुदाई बर्दाश्त। बस तुझे धंधे पे अकेला जाने देती हूँ, इतना ही काफी है मेरे लिए। क्या करूं बता, क्या करूं मैं? तो ठीक है, मगर मगर हमारा गांव में रखा क्या है? नंदिनी मैं और तू कराची वाले हो। नहीं रे, तेरे पुरखों का स्थान इसलिए मेरे लिए पवित्र है, जे हर उस चीज से प्यार है, इससे तेरा इतना सा भी संबंध। एक बात बता मुझे, मैं तुझे डांट भी देता हूँ, टेढ़े मुंह बात भी करता हूँ, मुझे लगता है कि तुझे खुश भी नहीं रखता, तू खुश है मेरे साथ? अरे मेरी बादशाह, मैं बहुत खुश हूँ तेरे साथ। मेरा वजूद तेरा घर है ना, तू मेरे अंदर बसता है, तेरा प्रेम मेरी जिंदगी है, बहुत खुश हूँ तेरे साथ। पर देख, मुझे ऐसी परीक्षा कभी ना देना जो मुझे तुझसे दूर होना पड़े, मर जाऊंगी। पर कैसे, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। तू सो रहा है? नहीं, ना मेरे राजा ना मिठू, सोना नहीं है क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। देख मिठू, सोना नहीं, देख देख जाग ना रतन, रे रतन उठ जा ना, जब तू सो गया तो मेरे भाग्य भी सो जाएंगे। रे रतन भगवान के लिए, अरे मिठू तू क्यों सो गया? हे राम, नत्थु हकीम, तू मरा मेरे हाथ से। जी तैमूर। फोन क्यों नहीं उठाया? बिजी थी, तुम बताओ। कहाँ बिजी थी? क्या मतलब है इस बात का, आर यू ओके? तुम बहुत याद आ रही हो, क्या करूं? तो सुबह ऑफिस आके मिल लेना, सिंपल। मुझसे अभी मिलो फौरन। बात सुनो, इस दुनिया में कम से कम 700 करोड़ से ज्यादा इंसान बसते हैं, जिसमें से 400 करोड़ औरतें, और सब एक से बढ़कर एक हसीन है। तुम उन सबको छोड़कर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो दोस्त? लोग कागजों में जिंदा है, झूठ मूठ जीते हैं, तुम सच में जिंदा हो, जिंदगी हो। ओए, नशा तो नहीं किया? तुम्हारी याद में अपना खून पिया लेकिन ये चढ़ता नहीं, क्या करूं? तैमूर, यू नीड अ डॉक्टर। अगर मेरी एक भी बात मानते हो ना, तो ट्रस्ट मी, यू नीड काउंसलिंग। तुम कर दो ना, मैं तैयार हूँ। बाय अलीसे। कॉन्सेंट्रेट। मुझे तो खुद भी तालीम का बड़ा शौक था, मगर हालात ने इजाजत ही नहीं दी। बस बेटा, अपनी अपनी मजबूरियां होती, मगर जिंदगी खूबसूरत है, नाच गाना, मौज मस्ती अच्छा लगता है। हाँ, भगवान भली करे, इंसान को जिंदगी में खुश रहना चाहिए। तालीम इसको ना तो और भी खुशी मिलती है। हाँ भगवान भली करे बेटा, तालीम याफ्ता आदमी को हर मैदान में कामयाब रहता है। मगर तालीम हो जीवन में और साथी ना हो क्या फायदा? भोजन? हाँ भोजन, भोजन करो बेटा, ठंडा ना हो जाए। हाथ धोने हैं मुझे, फिर शुरू करता हूँ। हाँ हाँ। पानी किधर मिलेगा? आकाश।
सीता बहुत अच्छा खाना बनाती है, मजा आ गया। माला का भी बड़ा हाथ है इसमें। दोनों बहुत मजेदार खाना बनाती हैं। इस घर में बहुत जायका है। कितने मजे की बातें करता है ना आकाश चोपड़ा। मजे की तो पता नहीं, बहुत बातें करता है और मजे मजे की बातें करता है, समझी? इंसान को परखना सीख। फिर तूने शुरू कर दी टेढ़ी मेढ़ी बातें, मुझे कभी समझ नहीं आएंगी। आकाश में बुराई क्या है मुझे ये तो बता। जरूरी है कि बुराइयां निकाल के ही मना करूं? बस मुझे शादी नहीं करनी इस वक्त। अरे वो शादी के बाद तुझे पढ़ाएगा, उसने मुझे ज़बान दी है, तुझे उस पर विश्वास नहीं? मुझे तेरे और भगवान के सिवा और किसी पर विश्वास नहीं। नंदिनी जी, घर बसा नहीं आया कराची में, नौकरी हो गई है, अब कोई बढ़िया सी छोरी ढूंढ दो ना तो जिंदगी का मजा आ जाए। ये तो चोरी वाला नहीं है रे, मैं जानती हूँ अपने रतन। क्या मतलब है तेरा, मैं ना मर दूँ? क्या कह रही है तू? अरे मेरे टार्जन, तब तक क्यों है, मैं तो प्यार से छेड़ी हैं। हाँ, गरम खून है, रगों में आग भरी है। देख, सीता बहुत भली छोरी है, तूने जरूर कुछ अंटशंट किया होगा उसके साथ। वो क्या है ना नंदिनी जी, हाथ में खुजली होती है, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को दबाने का चस्का है मुझे। अपना घर बसाओ और जल्दी से जाओ यहाँ से, वरना मर जाऊंगा। क्या चाहता है तू मुझसे?